व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अंदर रिएक्शन वीडियो। आज हम देखने वाले हैं इंडियन मुस्लिम गर्ल हो गई पाकिस्तान में वायरल, पाकिस्तानियों ने होश गवाए, तो क्या है पूरा मामला देखते हैं और क्या कुछ वहां की पब्लिक ने कहा है। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। करते हैं शुरू, 1 2 3 गो। आपका नाम? जाहिर। क्या 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 बोला? जाहिर 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 जाहिल साले जानवर कुत्ते कहाँ पढ़ा लिखा तू। एक हिंदुस्तानी मुस्लिम औरत का इंटरव्यू था, उसमें उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान के अंदर बहुत खुश हूँ और खास तौर से मोदी जी सरकार आने के बाद से बेहद खुश हूँ और मैं चाहती हूँ मोदी जी आजीवन प्रधानमंत्री बने रहे। ये वीडियो वायरल हो गया पाकिस्तान में और पाकिस्तानी रिपोर्टर पाकिस्तानियों को ये वीडियो दिखा दिखा के उनके रिएक्शन ले लिए और ये पाकिस्तानी तो जहालत की पराकाष्ठा है। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। हम तो नहीं चाहेंगे कि मोदी जी जाएं, बिल्कुल वो यहाँ पर रहें और हमारे बारे में और सोचते रहें। मैं अपनी बच्ची के लिए चाहूंगी और मेरी बच्ची भी अपनी बच्ची के लिए चाहेगी कि वो बिल्कुल वही महसूस करे जो यहाँ की दूसरी महिलाएं हैं। खैर, मैं खास तौर से हिंदू महिला के साथ कंपैरिजन कर रही हूँ। देखिए, वो हर तरह की आजादी महसूस करती है, हम बंदिश महसूस करते हैं। अभी भी बंदिश नहीं, अब तो बहुत चीजों का एहसास बहुत अलग है। आजाद हम उनसे ज्यादा हैं और जुल्म अब भी जारी है। लेकिन जो हमारे लीडर साहब आयन है, वो आपको पता है कि वो मुल्क छोड़ के फौरन बाहर चले जाते हैं। अब जो हमारे आर्मी के जनरल हैं, वो भी जब अपनी आर्मी की पूरी करते हैं, वो अबे जल्दी बोल, कल सुबह परवेल निकलना है नौकरी, और वो भी चले जाते हैं। आजादी के लिहाज से जो आप बात कर रहे हैं, आजाद हम उनसे ज्यादा हैं। चूतिया मत बनाओ लोगों को। मैं मेरा सवाल नहीं समझे। हमारे पाकिस्तान में कहा जाता है कि इंडिया जो है मुसलमानों पर जुल्म करता है। इंडिया के मुसलमानों ने एक वीडियो बनाई, वो कह रही है कि शुक्र अल्लाह का कि हम पाकिस्तान में नहीं है, हम इंडिया में हैं। हमारे पास हर तरह की आजादी है, हर तरह की सहूलत है और हम यहाँ पे कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। 1 अरब 40 करोड़ आदमी है, अगर उनमें से कोई 2-3 आदमी ऐसा बयान दे देते हैं तो मेरे ख्याल से उनकी उस चीज की कोई अहमियत नहीं है। चाचा सही बोल रहे हैं, इनके लिए कोई अहमियत नहीं है और ये तो कुछ भी नहीं है। जैद हामिद लाल टोपी को तो आप अच्छे से जानते हैं। पूरी दुनिया भारत की जय जयकार कर रही है कि भारत ने चांद की धरती पे कदम रख दिया और ये जाहिल आज भी ये कहता है कि भारत वीडियो गेम की फुटेज निकाल के दिखा रहा है और इस बेशर्मी से बिकॉज दे फील कि दे हैव अ पावरफुल मीडिया सो दे कैन गेट अवे विद दैट। तो आप कहेंगे ये मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ। अब चूतिया हैं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है, दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, सीजीआई, एआई जनरेटेड, और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। अब जब तक नासा इसके घर पे फोन करके इसको बोलेगा नहीं कि नहीं भाई चंद्रयान सही में पहुंच गया है। तेरा बाप आया, ये मानेगा भी नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है, इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे वर फेक्स। और आपको एक और कमाल की बात बताता हूँ, इस बंदे ने आज से 10 साल पहले ये भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान 5 साल बाद पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा, पाकिस्तान चांद पे बैठा हुआ होगा। कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे भी होंगे। टर्न अराउंड, लिटरली इन 5 ईयर्स वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 ईयर्स, आई गारंटी यू 5 ईयर्स। सारा जज्बा निकल गया, कम से कम 10 साल पुरानी है ये तो। पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या है, ईसाइयों के साथ भी बहुत जुल्म हो रहा है। अच्छा, और उनके जो निजी कौमें हैं उनके साथ भी बहुत ज्यादा जुल्म होता है, ये पूरी दुनिया देख चुकी है और देख भी रही है। इन आसमानी कौम की मक्कारी देखो, कैसे ये खुद हिंदुओं के मंदिर तोड़ देते हैं, उनकी बहन बेटियों को उठा के ले जाते हैं, ईसाइयों के चर्च तोड़ देते हैं, गुरुद्वारों में हमले करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जला देते हैं, लेकिन जुल्म कौन करता है? भारत। फैसलाबाद के करीब के इलाके जड़ावाला में आज 97% मुस्लिम्स को 1% क्रिश्चियन से खतरा लाहक हो गया। पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख देगी, पूरे पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाकर रख देगी। और अमेरिका ने फैसलाबाद में चर्च और मसीह बिरादरी पर हमले पर तशवीश का इजहार किया। इनको अपने पाप नहीं दिखते? चर्च को तोड़ दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया, यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान में माइनॉरिटी
कम्युनिटीज की अगर परसेंटेज देखें तो सिर्फ 1% क्रिश्चियन कम्युनिटी बनती है, और उस 1% के खिलाफ जहाद लड़ने के लिए इस तरह से लोकल मुल्लाओं ने कन्विंस किया जनावाला के आवाम को कि सब इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम सब खतरे में हो। लानत है तुम लोग पे, लानत। क्या जो अगर कुरान मजीद की जो बेहरमती करे, जो कुरान मजीद को नाउजुबिल्ला शहीद करे, जलाए, उसके साथ क्या होना चाहिए? तो जाहिर है कि हम मुसलमान है, जो हक की बात है वही करेंगे। वो तो वाजिब कतल है। चाचा सही बोल रहे हैं, वाजिब कतल है। मतलब के उसका मर्डर कर दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया। हाँ, वो अल्लाह के नाम पे जो गुस्ताखी करता है ना, वो बाद में कत्ल ही है। ये हमेशा जान लेते हैं, सेंसलेस है। इन पाकिस्तानियों की बातें सुनता हूँ तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ये सारे के सारे पाकिस्तानी किसी पागल खाने से भागे हुए पागल है। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। मतलब आप इस वीडियो को सच्चा नहीं मानते? सच्चाई होगी भी तो ये कोई उनके पीछे कोई ग्रुप है या कोई ऐसी बातें करवा के वो हमें करना चाहते हैं। आज तक कभी इंडिया से कोई मुसलमान यहाँ पर आया है कि मेरे पे इंडिया पे जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान में मुझे पनाह दे? ये बहुत बड़ी मिसाल है कि आज से 2-3 माह पहले उनके आर्मी के 2-3 आदमी बॉर्डर क्रॉस करके तो पाकिस्तान के अंदर आए हैं, और उन्होंने बड़े फख्र से बोला कि हम पाकिस्तान की आर्मी में जाना चाहते हैं, यहाँ पे इनकी वर्दी अच्छी है, इनका डिसिप्लिन अच्छा है, इनका खाना अच्छा है। ये तो कई दफा हो चुका है। ये कब की बात है? हमें तो नहीं पता। आप अपना मीडिया देखे, ये हुआ है। फिर उन्होंने उन्हें उसकी राइफल वगैरह और उसे बॉर्डर के जरिए उसके हवाले किया है। ये आज से 3-4 माह की वाली बात है और मैंने ये न्यूज पे देखा है। खैर अनफॉर्चुनेटली मैंने तो ऐसी कोई खबर नहीं सुनी है कि इंडिया की आर्मी यहाँ आई हो और कह रही हो कि यहाँ की वर्दी अच्छी, हमें ये वर्दी पहननी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन पाकिस्तान की मीडिया कितनी फेक न्यूज चलाती है इन पाकिस्तानियों के दिमाग को मैनिपुलेट करने के लिए। और ये दुनिया के सबसे बड़े जाहिल है, इन पाकिस्तान की मीडिया में जो खबरें दिखाई जाती है उसको सच भी मान लेते हैं। और खैर पाकिस्तान मीडिया ऐसी खबरें चलाता रहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ। इसके लिए अगर ऐसी कोई खबर पाकिस्तान मीडिया में चली है तो जरूर चली होगी। उठाना पड़ी, इतनी जिल्लत उठाना पड़ी है, इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, ये कोई काम है? गजब देश है ये। अब चाचा दिखाएंगे पाकिस्तानियों को आईना। वो सही कहते हैं कि वो खुश हैं, वो चाहे काफर हैं, वो हिंदू हैं, हुकूमत वाले, ठीक है ना, वो है कौम परस्त, ठीक है। ये लोग हैं जे परस्त, हमने कर्जा लिया, ये लिया, वो लिया, किसके लिए लिया, किसके हालात सही की इन्होंने, ठीक है। ये अपने लिए लेते हैं और निकालते किससे, हमसे, आपसे, इससे, उससे। हमें उन्होंने महंगाई के गुंजल में इस तरह से फंसा दिया। बस रोते रहो, रात को सोते वक्त सोचो कि सुबह कहाँ से लानी है। सुबह निकलो तो रात सोचो, घर जाओ कि रात को जाके खर्चा कहाँ से करना है। इंडिया की विमेंस हाथ उठा के दुआएं मांग रहे कि शुक्र है हम पाकिस्तान में नहीं रहते। वो सही कह रहे हैं बेटा, वो सही कह रहे हैं। अच्छा चलो एक बात बताएं, हमारे पाकिस्तान में जितने भी वजीर आजम आते हैं वोट लेने के लिए नारा लगा देते हैं इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, आप तो बड़े खुशकिस्मत हो कि आप पाकिस्तान में रहते हो, तो झूठ तो मैंने काम कर दिया इस वीडियो ने। बिल्कुल खुशकिस्मत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वो खुशकिस्मत है। यहाँ पर गरीब के हाथ में क्या है, और रोटी नहीं खा सकते पुत्र जी। मैं दिमाग में मेरा कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, जड़ों वाला ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है। पिछले महीने 18,500 बिल आया था, ये अब 16,500 बिल आया है। बिल तो कहती है कैंसर का इलाज फ्री है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है पुत्र जी, ये जो जनरल हॉस्पिटल है ना वो भी प्राइवेट ही है। गरीब के लिए कुछ नहीं है पुत्र जी, नमाशी हो, जरदारी हो, कोई भी हो, गरीब के लिए कुछ नहीं है। और नंबर दो, अगर ये दोनों में से एक भी चाहे ना ये कर्जा उतार सकते हैं, ठीक है। ये कर्जे का इन्होंने वैसे ही रोला डाला हुआ है, समझो, हमें बांदर बनाया हुआ है, डुगडुगी बजाते हैं ये कर्जा कर्जा कर्जा। ये चाहे ना इनमें से एक भी चाहे कर्जा उतार सकता है, और कर्जा उतार के उनको 10 रुपए देते ना एक मिसाल के तौर पर महीना, ये अवाम से 2 रुपए ले, अवाम को भी रिलीफ दें, आप भी खाएं जो सूर खाते हैं ये। वो तो कहते हैं पाकिस्तान में कुछ रह ही नहीं गया, हम तो मुल्क चला ही नहीं सकते, कभी एक से भीख मांग, कभी दूसरे से, पूरे मुल्क में जैसे इंडिया के मुसलमान कहते हैं वो मुल्क तो भीख मांग मांग के चल रहे हैं, शुक्र है हम वहाँ नहीं रहते। वो भीख ये अपने लिए मांगते हैं, हमारे लिए नहीं मांगते। आप बताओ ना किसके घर में चूल्हा जल रहा है, जिसकी सफेद बोझ लोग है सब, किसी के भी चेहरे पे देख लो रौनक नहीं है, क्यों नहीं है, सब परेशान है। इनको गैरत दे, इनको हदायत। इंडिया के बारे में झूठ बोलते हैं वो भी इनको बता दे कि झूठ फैलाना बंद करो, आवाम के दिलों में नफरतें क्यों डाल रहे हो? ये अपनी दुकानदारियों के लिए। हाँ जी, ये इंडिया के मुसलमान कहते हैं कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान में नहीं रहते, वरना हम भी रोटी से रह जाते। हाँ तो सही कहते हैं वो, और हमारे वाले कहते हैं इंडिया में जुल्म हो रहा है। कोई वक्त था नहीं, ये इनकी बदमाशी है,
ये जो बयानियां देते हैं ना कि जी इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ये करेक्ट वर्ड बोला। इससे इसके अलावा और कोई बात नहीं है। इनसे कोई पूछे कि आप इंडिया के मुसलमानों की बार बार बात करते हो, क्या कोई वहाँ से आया है आज तक यहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं आया जो आके यहाँ चीखता हो। आते थे जब वो इंडिया की ट्रेन चलती थी ना, आते थे तो वो कहते थे कि आप खुशहाल हो, हम अभी खुशहाल नहीं है। और अब देखें, लेकिन अब वो जब आते हैं तो हमसे अच्छा पहनना होता है, अच्छा अच्छे लिबास में होते हैं और अच्छे खाने खाते हैं, अच्छी होटलों में रहते हैं, हम उनका मुंह देखते हैं। देख ले, ये है एक लीडरशिप की क्वालिटी। एक वक्त था कि वो मुल्क जो था क्राइसिस में था, आज देखें उनकी इनकम भी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी भी अच्छी है, उनका लीडर भी अच्छा है, उनकी हालत भी अच्छी है। पाकिस्तान बहुत, मैं कहती हूँ अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा मुल्क नीचे की तरफ जा रहा है। गरीब आवाम यहाँ पर खुदकुशी कर रही है, आटा नहीं, रहनों को जगह नहीं, सर पे साया नहीं, कारोबार नहीं, या तो आवाम खुदकुशी कर रही है या फिर जो है क्राइम करने पर मजबूर हो गई है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपके दिमाग में भी बहुत सारे विचार उथल पुथल कर रहे होंगे, उन विचारों को लेके मत जाइए, कमेंट सेक्शन है वहाँ इन पाकिस्तानियों को पहल के जाइए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। लाल टोपी, ये लाल टोपी नहीं, वो जो लाल टोपी, फर्जी लाल टोपी वाला है, उसके लिए ना मेरे को एक चीज लगती है कि ये ना कुछ गिने चुने हैं, ठीक है, जो पब्लिक, जिनके मतलब जो इनके जो भी होंगे पुराने जो बाप दादा, उन्होंने पब्लिक से पैसा लूट के इन जैसों को ऑक्सफोर्ड डाल दिया पढ़ने, पढ़ लिख के आ गए यहाँ पर। तो वहां से ना थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखी और वहां का जो थोड़ा बहुत जो एक्सेंट है वो अडेप्ट किया। अब होता क्या है कि पाकिस्तान में ऐसे इंटरव्यूज देते हैं जहाँ आधे से ज्यादा जनता अनपढ़ है, आधे ज्यादा नहीं, 90% जो है एजुकेटेड बहुत लगते हैं। तो ये एक वर्ड होता है ना, अंधों में काना सरदार, तो वहाँ के इनफैक्ट जो मीडिया भी है ना, बैठ के ना इसलिए सुनते हैं, मुझे लगता है जो मीडिया का लेवल है ना वहाँ का, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ठीक है, उनकी भी इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं होती। तो उसने हाँ भाई, वो होता है ना भाई, ये तो बाहर से पढ़ के आया भाई, क्या मस्त इंग्लिश बोल रहा है, जैसे उसने बोला ना एकदम, ठीक है, कि वो अंकल ने सही बोला, उससे वो जो सो नहीं नहीं वो जो सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, हम सेलिब्रेट करते हैं और करते रहेंगे, तुम पहले भी गटर में थे, अब तुम उससे भी नीचे जाते रहोगे, लाल टोपी, अगर इतने ही तुम मतलब इतना अच्छा बोलते हो, इतनी अच्छी एजुकेशन है, मेरा कहने का मतलब अच्छा है कि समझदार जो वहाँ है ना, आम लोगों में समझदार, लेकिन उन आम लोगों को आगे आने नहीं देती इनकी सरकार। हाँ, हाँ। ना पॉलिटिक्स में आने देती, क्योंकि पॉलिटिक्स कौन कर रहे हैं, वही जो दो तीन परिवार हैं जो पहले से रईस थे, पैसे वाले थे, उन्हीं के बेटा बेटी वही आगे पॉलिटिक्स कंटिन्यू कर लेते हैं। और सच्चाई ये है कि एक आम आदमी तभी अच्छे से जिंदगी जीता है जब कोई ना कोई आम आदमी उठ के उस लेवल तक पहुंचे। अगर हमारे एक वीडियो देखोगे ना, एक 9 साल का बच्चा है, वो जो चंद्रयान 3 के ऊपर कितने चुके, इस लाल टोपी को ना उस बच्चे के सामने बैठा देना, ये चांद से रिलेटेड चीज, स्पेस से तो छोड़ो, नॉर्मल जनरल नॉलेज की, ये बच्चा उससे 5 क्वेश्चन पूछेगा और उसका सारा फेक एक्सेंट ना वहीं पे खत्म हो जाएगा। ओ माय गॉड, सबूत, इनको सबूत चाहिए चंद्रयान 3 से रिलेटेड कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ है। नहीं, कह रहे नासा ने वो नहीं किया, हमें नासा से कंफर्मेशन चाहिए क्यों? एक काम करेंगे ना, अब की बार जो कोई मिशन जाएगा अगर उसमें ह्यूमन ट्रायल होना होगा तो रोबोट की जगह इसको भेज दो। बहुत चक्कर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, वीडियो कर दे लाइक शेयर, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।